Assalamualaikum दोस्तों and welcome to yet another exciting episode of Almarai Flavors of Ramadan powered by Sadia. दोस्तों रमजान का महीना है और इस महीने में आप सबको अपना थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली अपने खाने और पीने का. आप पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और इस महीने में आपको काम भी करना पड़ता है. That's why सहरी में कुछ ऐसा ही खाइए जिसके साथ आपकी एनर्जी लेवल्स बनी रहे, आपका स्टैमिना रहे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप हाइड्रेटेड रहें, है ना शेफ? Absolutely. इसीलिए आज हम बनाएंगे क्रीमी मुर्ग और मीठा पराठा. तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारी क्रीमी मुर्ग एंड मीठा पराठा. बिल्कुल. तो इसके लिए हम लेंगे चिकन. चिकन को हम डीबोन करेंगे, उसके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे और हमारे पास हमने ये ऑलरेडी प्रिपेयर करके यहाँ रखा हुआ है. उसके बाद चिकन का जो है मैरिनेशन बनाएंगे. तो चिकन के मैरिनेशन में हम यूज करेंगे चीज. ओके. अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा क्रीम. ठीक है. ये हम कर्ड. जिंजर गार्लिक पेस्ट. थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि चीज में ऑलरेडी सॉल्ट है जी. इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब इसमें डालेंगे हम अपना चिकन. ओके. और एक बार फिर हम इसको 1 से 2 घंटा मैरिनेट करके रखेंगे. ठीक है. और मैरिनेट होने के बाद हम 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट 10 से 15 मिनट इसको हम अपने रोस्ट करेंगे जी, अवन में रोस्ट करेंगे. लेकिन हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ऑलरेडी ये रोस्ट चिकन तैयार करके रखा हुआ है. तो अब हम क्रीमी मुर्ग की ग्रेवी तैयार करेंगे जी. उसके लिए हम लेंगे थोड़ा पानी. बस. और इसमें हम डालेंगे छिले हुए प्याज और उसके साथ काजू. ओके. तो जितना प्याज उतना काजू हमने लिया है. हम इसको 1-1.5 घंटा बॉईल करेंगे. ओके. 1-1.5 घंटा बॉईल होने के बाद आपका प्याज जो है अच्छे से पक चुका होगा, काजू भी अच्छे से पक चुका होगा जी. उसको आप एक मिक्सी में डालेंगे ठंडा होने के बाद. ओके. और उसका एक पेस्ट निकालेंगे जी, जो कि इस तरह होगा. और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ग्रेवी जो है क्रीमी मुर्ग की वो कैसे बनाएंगे. इस गर्म पैन में हम डालेंगे थोड़ा घी. ओके. तो घी गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता. ओके. और कुछ और खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, बड़ी इलायची. ओके. छोटी इलायची और काली मिर्च. ठीक है. और उसको हम हल्का भूनेंगे. ओके. इसको ज्यादा तेज आंच पे ना भूनें जी, नहीं तो ये जल जाएंगे और इनका फ्लेवर जो है अच्छा आने की जगह खराब आना शुरू हो जाएगा. ओके. और इसमें डालेंगे हम अपनी तैयार करी हुई ग्रेवी. ओके. इसको हम अच्छे से पकने देंगे जी. और इसमें थोड़ा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सैफरन का पानी. ठीक है. देखिए एक अच्छा सा हल्का पीला इसमें रंग आया है जी. तो अब ये ग्रेवी हमारी रेडी है जी. तो अब हम जो है आटे का एक डो बनाएंगे जी. और हमारे पास ये डो ऑलरेडी बना के यहाँ रेडी है. और मीठा पराठा के लिए हम इस डो को रोल करते हैं जी. तो
इसको रोल करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा घी, स्प्रेड करेंगे अच्छे से। और चीनी, ठीक है, तो घी की एक लेयर और उसके ऊपर चीनी। जी, तो घी और चीनी का ये पराठा जी अब हम फोर पार्ट में फोल्ड करेंगे। ओके, इस तरह। तो इस फोल्ड को जो है हम बुक फोल्ड भी बोलते हैं। ओके, अब हम एक बार फिर इसको बेलेंगे। लीजिए, हम इसको पकाएंगे। तो ये पराठा हमारा ऑलमोस्ट बनके तैयार है जी। हम फटाफट अपनी क्रीमी ग्रेवी जो है उसको गर्म कर लेते हैं। ठीक है, पराठा हम अपनी प्लेट पर निकाल देते हैं और अपनी ग्रेवी में हम अपना ये प्रिपेयर्ड चिकन डाल देते हैं। और अब आपका ये जो क्रीमी मुर्ग है पूरी तरह तैयार है, इसको हम इस बोल में डालेंगे। ठीक है, लीजिए। गार्निश के लिए हम डालेंगे इस पे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ओके, शाइन देने के लिए थोड़ा सा घी। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सैफ्रन। तो प्रीति, हमारा क्रीमी मुर्ग और मीठा पराठा बनके पूरा तैयार है। एक कटोरी में लीजिए चीज, क्रीम, हंकर्ड, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और चिकन के पीसेस। अच्छी तरह से मिला लीजिए। मैरिनेट होने के बाद 220 डिग्रीज पर उसे 10 या 15 मिनट के लिए रोस्ट कीजिए। अब ग्रेवी के लिए लीजिए थोड़ा सा घी, खड़े मसाले, काजू का पेस्ट और सैफ्रन का पानी। अच्छी तरह से मिला लें। अब गूंदा हुआ आटा लीजिए और एक पेड़ा लेकर उसे बेल दीजिए। बेलने के बाद उसमें डालिए घी और थोड़ी चीनी। अच्छी तरह से फैलाने के बाद उसे एक स्क्वायर के आकार में उसे फोल्ड कर दीजिए और रोटी को बेलकर सेक लें। अब ग्रेवी को गर्म कीजिए और उसमें रोस्टेड चिकन डाल दीजिए। अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसके बाद सर्विंग बोल में सर्व कर लीजिए। गार्निश कीजिए ड्राई फ्रूट्स, घी और सैफ्रन के साथ और मीठे पराठे के साथ सर्व कीजिए। शेफ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका मीठा पराठा, एंड इवन मोर नाइसर इज द क्रीमी मुर्ग। तो चलिए फटाफट खाते हैं। बिल्कुल। वेल, आप भी लीजिए एक मीठा सा ब्रेक, क्योंकि हम वापस आने वाले हैं एक और मीठी रेसिपी के साथ। बट यू नो व्हाट, शेफ अमित का दावा है कि जो अगली मीठी रेसिपी है उसके बारे में आपने आज तक सुना नहीं होगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में विद आवर नेक्स्ट स्वीट रेसिपी ऑन अल मराए फ्लेवर्स ऑफ रमजान, पावर्ड बाय सादिया।